तो भाई वेक्टर पढ़ रहे थे हम लोग ना, तो वेक्टर में स्केलर वाली बात हो गई थी अपनी। स्केलर में मैग्नीट्यूड चाहिए पड़ता है केवल। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यून, और वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए पड़ेगा। और वेक्टर जो है वो वेक्टर एलजेब्रा फॉलो करेंगे। वेक्टर क्या फॉलो करेंगे? वेक्टर अलजेब्रा। और स्केलर, स्केलर अलजेब्रा है कि नहीं? ये तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना भी मैंने आपको बता दिया था कि ना बताया था? बता दिया था। स्केल लेना पड़ता है भाई साहब। ठीक है, तो ये बातें अपनी हो गई थी। अब देखिए टाइप ऑफ वेक्टर्स को थोड़ा देख लेंगे। मैं बताता जा रहा हूं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, पहले आपको दिया है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जिनके बीच का एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होंगे? हाँ, क्या इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर्स? है बे, वेक्टर हर तरह से इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड में भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो इक्वल वेक्टर मस्ट बी, इसमें दिमाग लगा भाई चंपकलाल, इसको लिखने की आवश्यकता ना है। अगर इक्वल बोला है तो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और डायरेक्शन में भी इक्वल, तभी तो इक्वल हुए। अरे तुम यार एकदम बिल्कुल वही बात कर देते। ये इनकी बात आप समझ नहीं पा रहे, बहुत बड़े आदमी। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब जिनके डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है, अच्छा निगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है? अगर जैसे एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और इसका सम अगर 0 आए, तो क्या ए एंड बी आर, ए इज निगेटिव ऑफ बी? पक्की बात है। तो क्या फर्क आता है निगेटिव होने से? दिशा का, दिशा का, दिशा अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड रहता है गजब। ठीक है, तो अगर किसी ने कहा कि एक वेक्टर है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस प्लस काई के लिए माइनस के कैप, तो इसका नेगेटिव वेक्टर जो आएगा बी, उसे आप क्या कहोगे? माइनस ए वेक्टर। क्लियर रहेगी बात? बता देंगे ना, तो क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू? माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, समझते हो कि नहीं? समझते के लिए बचपन से समझ रहे। ठीक है, और कौन सा वेक्टर है भाई? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब जिनका प्रारंभ समान हो। ठीक है, जिनका इनिशियल है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, समान हो, दैट इज को इनिशियल, को लीनियर, कोलिनियर, सेम लाइन है ना। सेम लाइन पर अगर वेक्टर्स होंगे तो कोलिनियर, कोप्लेनर, सेम प्लेन पर होंगे। तो क्या दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन पर होंगे? ऑलवेज। पक्की बात? कोई शक नहीं है इसमें। एक वेक्टर ये है मेरा हाथ, दूसरा वेक्टर ये है दूसरा हाथ, क्या ये एक ही प्लेन पर हैं? गरीब आदमी, 100 वेक्टर एक प्लेन पर हो सकता है, उसमें होने में क्या है? मेरा ये बताओ, क्या दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन पर होंगे? कहाँ होंगे यार, कहाँ है ये? एक प्लेन पर कहाँ है? इसका प्लेन ये आएगा, इसका प्लेन ये आएगा, कहाँ है ये एक ही प्लेन पर? गरीबी फिर से, दो होने रहे खेलने लगे, तीन चाहिए कम से कम भाई साहब, दो में कैसे हो जाएगा? दो वेक्टर एक प्लेन पर होना नेसेसरी? अभी तो दिखा यार कहाँ है ये, देखने के बाद भी कह रहे हैं कम से कम तीन ले आओ, एक वो ऐसे ले आके ले लो,
ना होंगे ना, जरूरी नहीं है। और ऐसे तो इनफाइनाइट वेक्टर बना दो इस बोर्ड पर, सब कोप्लेनर वेक्टर है, कैसे बना दो जैसे चाहो बना दो, सारे कोप्लेनर वेक्टर है ना, ठीक है। अच्छा फिर से स्टेटमेंट बोलूंगा, इस बार बताना, टू वेक्टर्स हैविंग सेम को, टू वेक्टर्स आर को इनिशियल मस्ट बी कोप्लेनर, मस्ट बी ना है ना है, मस्ट बी गलत। एक वेक्टर ये बना दिया, कहां है वेक्टर दे यार, वेक्टर दे, एक वेक्टर ये, ठीक है, तुमने बोला था ना मस्ट भी नहीं होगा, आ जाओ बाहर, और कार्यक्रम जिंदगी में रंगारंग चल रहे तुम्हारे कि नहीं, सारे रंग लेके घूम रहे हो, हाँ कह ले भाई साहब। चलो अब दूसरा वेक्टर पकड़ो, इसको इस पॉइंट पर टच करो, कोई इनिशियल करो इसे, अबे ओए पूछ अब करो, बताओ अलग अलग प्लेन पर बताओ कैसे होंगे ये, कहीं ले जाओ उस वेक्टर को, गरीब आदमी ये एक प्लेन बन जाएगा ना, ये अलग, हाँ तो ऐसे और कैसे, और बनाओ और बनाओ, हाँ अभी भी एक प्लेन बन जाएगा, सेम प्लेन पर आ गए, बना बना बना, कहीं भी कर लो बेटा, कहीं भी कर लो, कहीं ले जाओ, जहां ले जाओगे हम प्लेन खींच देंगे ऐसे। तो अगर दो वेक्टर हैं और वो को इनिशियल, कौन सा तुम्हारा एक भी नहीं भाग उसके पहले, ये बोला दे रहे हो तो दे ही दो अगर दो को इनिशियल वेक्टर है तो दे मस्ट लाई इन वन प्लेन, मस्ट बी कोप्लेनर, ठीक है, ये बात लिख लो ये ऐसे, टू को इनिशियल वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर, टू को बस काम की बात है लिखना, फालतू बात नहीं, टू को इनिशियल वेक्टर मस्ट बी, ये काम की बात है भाई लिख, ये बोल रहा है ये काम की बात थी क्या, मस्ट बी कोप्लेनर, ये सॉरी ये आपके अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं, अस्त्र और शस्त्र में कोई अंतर है, क्या अंतर है, है? मैं भी बोल देता तो क्या, बोलने का तो कुछ भी बोल देता, हम क्या करें, जब मस्ट भी है तो मैं भी तो हो गई है, पक्का है तो कच्चा तो हो गई, ठीक है। अच्छा अब और क्या है भाई, नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर का मतलब अगर दो वेक्टरों को जोड़ेंगे तो क्या जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर होगा या नहीं, दो वेक्टर्स को जोड़ोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ वेक्टर और स्केलर वेक्टर, तो ए प्लस बी आपने लिखा था अभी जीरो, तो ये जीरो वेक्टर होना चाहिए, इसको बोलते हैं नल वेक्टर, इसकी खोपड़ी पर टोपी लगा देते हैं लोग ऐसे, कैप लगा दो कुछ लगा दो कोई फर्क ना पड़ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरो वेक्टर का, और इसका डायरेक्शन क्या होता है नहीं पता, नॉट डिफाइंड, अरे कोई बोलेगा आप चलो ही मत और बताओ किस दिशा में चले, यार ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब कि चलो मत और बताओ किधर को चले, तो हम कहेंगे हम क्या पता है, तो जीरो वेक्टर की दिशा डिफाइंड नहीं होती है ना, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर समझ गए। चलो अब आगे चले, एक आध पॉइंट और देखे क्या लिखा हुआ है, आई कैप जे कैप के कैप से परिचय है आपका, व्हाट इज आई कैप, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन के कैप, इसमें जेड डायरेक्शन किधर है, किधर है, अरे किधर है, आउटसाइड, तुम यार तेज हो, है इनसाइड नहीं हो सकता, केवल आउटसाइड है, अंदर की तरफ है वो माइनस के कैप है, तुम यार ऐसे, हाँ डायरेक्शन का मतलब क्या है,
इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, किधर की तरफ आएगा, इसको एकदम भूलना नहीं है। ये पेन देना बेटा, ये वेक्टर जो आपका z डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, इसको आपकी नोटबुक में ऐसे गिरा दिया जाता है। क्या गिरा दिया जाता है, कोई बैठ गया धोखे में बुक के ऊपर तो वेक्टर बना हुआ है, तो वेक्टर को ऐसे गिरा दिया जाता है z डायरेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए लोग क्यूब या क्यूबॉइड का सहारा ले लेते हैं ऐसे, तो आपको थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाएंगे। अब दिख गया होगा आपको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जो ये यूनिट वेक्टर होता क्या है भाई, है होता क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहने लगे नाम में लगा रखी हो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा बताना जरा, एक वेक्टर है ए, वन आई कैप मीटर, एक वेक्टर है बी, थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बता पाओगे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, है? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो कहने लगे इसमें क्या डरते नहीं है हम, क्यों भाई, वैसे भी हम जबरदस्ती बताते भी नहीं, कहने लगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री मीटर, एक सी वेक्टर है ये आई कैप, एक डी वेक्टर है ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। ये आपके सामने कितने वेक्टर है भैया, कितने वेक्टर है दिखा, अबे किसे के आना थोड़ा, ये मेरे को लगा किसे को आगा अपने टेबल, कितने वेक्टर हैं अभी इस समय आपके सामने, इनमें से कौन कौन से यूनिट वेक्टर है, ए और सी और डी, डी ना है, ए ना है, बी, बी है, हाँ भाई, अरे ये मैग देखना आता है मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ देख लो भैया कवर हो रहे हो तभी बताइयो, अभी मान लो आपको, अरे कौन है यार, अभी मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जी आप ओरिजिन से पहले एक्स दिशा में चलो ए, फिर वाई दिशा में चलो बी, और फिर जहां पहुंच गए उसको देख ले, तो कितना गए आगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गए कि नहीं, तो मैंने कहा भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कहोगे निकाल रहे हैं, रुक जाओ पाइथागोरस लगा लोगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना हो पाएगा, हो पाएगा पक्की बात। अभी मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताइए, बताएं भाई, सबको आता है, कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत हो, पक्का नहीं ना, अभी आपने कह रहे अब इधर और चले जाओ सी, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वेक्टर जो निकालोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो आता है यार, तो ये क्या हो जाएगा ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अभी किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, दो बातें लिखी जाती हैं, पहले क्या लिखा जाता है मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब किस दिशा में, कहने लगे इनकी दिशा में, इनका दिशा है तो इनकी दिशा में बताएंगे,
तो अभी मैंने कहा अगर मैं डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, किसकी दिशा में है वो, ए वेक्टर की दिशा में है। अरे तो मैंने कहा अच्छा अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो तो उसे आप यूनिट वेक्टर कह सकते हो या नहीं, तो बताओ फिर ये जो आपका डी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या है? तो मैंने कहा मैं फाइंड कर लेता हूं, मेरे को इतनी देर नहीं लगती है। मैंने कहा देखो ये वेक्टर बी था, ये था माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? आपने कहा यार नीचे तो नंबर है इसका, तो क्या ही मैग्नीट्यूड, ये तो है ही जो है, और ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड लिख लो और नीचे अंडर रूट टू एज इट इज रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो अभी अभी सॉल्व करो इसको, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन प्लस वन, रूट टू अपॉन रूट टू वन। तो बताओ ये जो आपका वेक्टर है ये वाला, इसका नाम बी नहीं था यार, इसका नाम तो सी था। सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है? है, है इसका नाम सी भी नहीं था, ये मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं रहता। ये डी वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? और ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर और डी वेक्टर सारे यूनिट हैं, ए नहीं है बोले, तो केवल सी और डी हैं, बी नहीं है, ए क्यों नहीं है? और इसमें क्या लगा हुआ है बे? देखा नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा तेरे को इतना बड़ा मीटर? अच्छा सुनो ध्यान से, ए का मैग्नीट्यूड है वन मीटर, और आपसे क्या कहा गया था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए यूनिट, यूनिट मीटर नहीं कहा गया था, कहा गया था क्या? यूनिट, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने कोई वेक्टर लिखा, जैसे आपने लिखा ये मीटर पर सेकंड, ये मान लो वेलोसिटी है, ध्यान से सुनिएगा, अभी अगर इसका मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा तो आप मुझे बताओगे वन प्लस इसका मैग्नीट्यूड, बोर्ड पर नजर, ए वेक्टर दिया आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप मीटर पर सेकेंड, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर एंड इट विल बिकम वन, और यूनिट भी आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में दो बातें होती हैं, कौन सी दो बातें? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो अभी मैंने कहा ए की दिशा में एक यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर की पहचान क्या है? खोपड़ी पे कैप रहती है उसकी, क्या रहता है? क्या है? तो अभी जब आप इसको डिवाइड करोगे आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट नौ दस और ग्यारह, ग्यारह मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, ये होता है यूनिट, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन, बस वन, बस बिना लगाओ नहीं तो लोग कहेंगे ट्रक चलेगा भाई साहब, ठीक है, समझ गए बात को? आई कैप जे कैप के कैप समझ में आता है सबको? ठीक है बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है भाई? हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स पर बात करेंगे आपसे, करें कि ना करें? एंगल समझते हैं, इसको हटा दिया जाए, नोट करोगे? 15 सेकंड मिलते हैं नोट करने के, जल्दी छापो। अरे ठीक है, कोई इधर ही पढ़ाएंगे।
लिख लिए। अब तो देर हो गई। हाँ भाई चलिए, तो भाइयों आगे बढ़ा जाए। तो क्या पता लगा आपको यूनिट वेक्टर के बारे में? है यूनिट वूनिट ना होता है? ठीक है मिटा दें। यूनिट वेक्टर इज यूनिट लेस, क्या होता है? यूनिट लेस होगा, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो आप यूनिट लगाया वहां पर कहने लगे भाई साहब बिना यूनिट के कैसे काम चलेगा। ठीक है यूनिट वेक्टर हो गया। एंगल बिटवीन वेक्टर, देखिएगा एक वेक्टर है ये ए, एक वेक्टर है यहां पर आपका बी, ये एंगल आपको दिया गया है 70 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल बताओ, बताओ भाई 110। कैसे बताते हैं भाई? हाँ भाई कैसे बताते हैं भैया? अबे वो तो ठीक है, चले हम बता देते हैं, आप बाकी समझते रहो। 180 माइनस 70, तो अभी अगर वेक्टरों की पूंछों को जोड़ा जाए, किसको जोड़ा जाए? टेल, टेल टू टेल, तो फिर उनके बीच में जो छोटा एंगल होगा उसे क्या बताया जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर। कोई इश्यू तो नहीं? कैसे जोड़ा जाता है? पूछ से पूछ, कोई दिक्कत नहीं है? चलिएगा और बताइए। हाँ एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये एंगल है 150 डिग्री, वेक्टर ए वेक्टर बी, बीच का एंगल बताएं। आप कैसे बताएंगे? आप बताएं आंसर। 30 डिग्री, किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट ना है? फोकट हाँ, किसका हेड ले ले? हाँ आओ, टेल टेल नहीं किया, टेल टेल करो, तो टेल टेल तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस डायग्राम को आप ऐसे, इस वेक्टर को क्या करते हो? ऐसे खिसका देते हो इधर आगे, तो आपका ये जो बी वेक्टर है वो ऐसे आ जाता है और ए वेक्टर ऐसे है ही। अब आपको कौन सा एंगल चाहिए? आप समझ गए ये वाला है ना? तो ये एंगल कैसे आएगा? 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत की बात पक्का नहीं है? है नहीं कहना, किस बात की दिक्कत? साथ साथ चाहते ना, बाद में मत कहना। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड सेम। ये वाला एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है? ऐसे कैसे 60? काय काय होता है 180? हेलो हाँ भाई 180 का होता है ट्रायंगल के सारे सम।
डरा रहे हो तुम भाई से पहले ऐसे आए कहा हूं। हाँ बोलिए। अरे सही यार, फिर अच्छा ये मानना पड़ेगा मुझे एंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर बोलो एंटीरियर। अच्छा टांग तोड़ रहे, खोपड़ी फोड़ रहे, अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं लोग, खोपड़ी फोड़ रही वाले। इंटीरियर तो सही है, इंटीरियर ही बोल रहे थे ना, कुछ और बोल रहे थे। हाँ ठीक है बोलो। ठीक है मैं समझ गया कि आप लोगों को पता है कि ये पक्का 60 होगा, चाहे मैं कुछ भी करता रहूं, है ना, इसमें 60 से कोई पीछे हटने वाला नहीं। तो अच्छा ए और बी के बीच का एंगल क्या है, क्या है, सबको क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं जिसमें दिक्कत आ रही हो? नहीं दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ठीक है, अभी आपको सिंपल ये पता था कि यार ये 60 है, आप इसको थोड़ा आगे ले जाओगे तो ये वाला एंगल बताओगे आप एक इधर शिफ्ट करके, और आपको पता है कि आप बी वेक्टर को ऐसे बनाओगे, ए वेक्टर को थोड़ा खिसका दोगे, तब बीच का एंगल थीटा बताओगे, और थीटा की वैल्यू आपको पता है 180 - 60 दैट इज 120 आ जाएगी कि ना आएगी। ठीक है बढ़िया, कोई इश्यू की बात नहीं। ये मान लो कि भाई रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन समझते हैं सारे लोग, समझते हैं रेगुलर हेक्सागन, सेम साइड। अभी एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। ओ ओ क्या आप कैसे निकालेंगे एंगल? अब सुनो मेरी बात, ये बात को समझना है आपको, है ना, मेरी बात अच्छे से समझना, बोर्ड पर नजर रखना। देखिए क्या है, बहुत आसान तरीका है, वो ट्रायंगल में भी यूज करते हो आप, कर सकते हो आप। इसको ऐसे जोड़ोगे तो सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो पूरा 360 है, उसको आप 360 लिखो या 2π रेडियन लिखो या 360 डिग्री लिखो, कोई फर्क है क्या? अब ये जो आपका पूरा का पूरा 360 डिग्री या 2π है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आप इसमें 2/6 कर सकते हो, इसमें भी 2/6 कर सकते हो, तो आप कहोगे भाई ये 2/3 या फिर ये 60 डिग्री आ गया, आया कि नहीं? अब हमने कहा यार ये एंगल आ गया 60 डिग्री के बराबर, आ गया, इसमें कोई दिक्कत है ना? है दिक्कत नहीं है, नहीं। अब मैंने कहा अगर ये 60 आ गया या जितना भी आ गया, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, साइड्स इक्वल है सामने वाली, तो थीटा बता सकते हो 60, तो ये वाला एंगल सेम वही ट्रायंगल है 60, तो मेरे को तो ए और बी के बीच का एंगल चाहिए 180 - 120 इज ना, दिख रहा, दिख रहा है पक्का है? एक आपको करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको, है ना, एक तो बनता है यार जीवन कि ना बनता है, एक तो बनता है। टेन इक्वल साइडेड, टेन मुझे पसंद नहीं, मुझे 11 पसंद, इक्वल साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, उसके दो वेक्टर दिखा रखे, एक साइड को वेक्टर ए बोला गया, एक साइड को वेक्टर बी बोला गया, और ए और बी के बीच का एंगल, दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए। 15 सेकंड मिलेंगे आप, 360/11 अगर आप करोगे तो तब तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा थीटा, और मैंने आपसे क्या अल्फा पूछा है? नहीं। ये वाला अल्फा पूछा है? नहीं।
क्या ये वाला अल्फा पूछा है? नहीं। क्या पूछा है मैंने आपसे? क्या पूछा है मैंने आपसे? कौन सा एंगल पूछा है? ये वाला एंगल। ये एंगल कितना आएगा? ये अल्फा है, ये अल्फा है। अरे समझो बात को, ये अल्फा है, ये अल्फा, तो कितना हो गया? तो ये वाला एंगल क्या बताने वाले हो? 180 माइनस। समझ नहीं है? अरे यार समझ लियो यार, ये ट्रायंगल थोड़ा गरीबों वाला है, चला लियो। ये अल्फा, ये अल्फा तो बीच का है, ये वाला एंगल 180 माइनस 2 अल्फा। लेकिन भाई साहब मुझे अल्फा नहीं पता है, मुझे थीटा पता है। थीटा, थीटा क्या है? 2 पाई बाई 11। तो अल्फा कैसे आएगा? तो आप लिखोगे थीटा प्लस 2 अल्फा की वैल्यू आएगी 2 पाई। तो अल्फा निकाल पाओगे यहां से? अल्फा मत निकालो, 2 अल्फा ही निकाल लो, वही रख देंगे अपन। 2 अल्फा की वैल्यू बोलो। टू पाई माइनस थीटा, अरे है ना। तो ये आपका जो आंसर है इसमें वैल्यू रख रहा हूं, 180 की जगह पाई लिखूंगा मैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके एग्जाम में 180 ना बोल के वो पाई बोलता है, तो बोलता है तो मैं भी बोल रहा हूं, है कि नहीं। अब इसमें चूंकि आप थोड़ा सा 360 में आप बढ़िया खेलते हो, जैसे वो 2 पाई और पाई चलता है फिर आपसे 2 छूट जाता है। तो अभी 180 को मैंने लिखा पाई माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा, 2 अल्फा, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 11 चलेगा। अभी सॉल्व करो इसको, पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 11, एन लिख दिया उसको मैंने। अब कोई मुझे एन ये बताओ कितना हो गया? ये कितना है? कितना है ये? माइनस पाई प्लस 2 पाई बाई एन। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई मेरे से? देख ले हो? हाँ, थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर, ये हो गई ना मिस्टेक, मेरे से मिस्टेक हो गई है, पाई। और ये कितना है? पाई माइनस 2 अल्फा, पाई माने ये 2 हटेगा ना यहां से, बढ़िया। और ये 11 है, सब हट गया है, गरीबी बिल्कुल ही घटिया हो गया। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हो, इसलिए सवाल आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? चलो आप अपने हाथ से करना और बहुत तेज करना, ठीक है? यहां पर एन साइडेड पॉलीगन बनेगा भाई जी। कितने साइडेड? एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, ये वेक्टर आपको दिया गया है ए, और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है बी, और आपको फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये सर्कल हो सकता है आपको बना के ना दिखाया जाए, समझ रहे हो बात को? सर्कल जरूरी नहीं बना के दे सवाल में। एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 15 सेकंड मिलेंगे। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट हो गया भैया, क्या रहा? अब ये वाला एंगल आपने मुझे बता दिया था कितना? 2 पाई बाई एन, इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो? आपने कहा बस ये अगर मिल गया, मान लो अल्फा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, अगर कोई मुझे अल्फा बता दे तो मैं उसे पाई माइनस 2 अल्फा बता सकता हूं कि नहीं बता सकते? अरे बता दो यार। तो अभी बताओ, अल्फा प्लस 2 पाई बाई एन मिला के कितना होगा? पाई। तो अभी आपने कहा देखो, अल्फा प्लस 2 पाई बाई एन इज इक्वल टू पाई।
तो 2π/n इज इक्वल टू पाई माइनस 2α, यही तो चाहिए था यार। तो आंसर क्या है? शर्माते हो तुम यार। अबे गरीब आदमी, ये समझ में आ गया? तो ये अल्फा होगा, तो ये अल्फा होगा, इसमें डाउट है। तो इन तीनों का सम कितना होगा? होगा, यहां तक भी कोई डाउट नहीं। अब बचा क्या है समझने को तेरे को? अब इसमें एक वेक्टर था ए और एक वेक्टर था बी, तो वेक्टर ए को आगे किसका दोगे? ये पूरा एंगल कितना है बेटे? तो ये वाला एंगल कितना बताओगे? बता दिया, कितना आया? 2π/n। एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इसको, यही कह रहे थे ना आप। आपका नाम क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम कहां चले गए? नहीं लाए उनको साथ? अरे यार, हाँ एक तरीके से होगा। कौन सा एक तरीका? डट डट, हाँ ओ। कौन पहले लोगे बे? ये वाली, आओ डट डट। कैसे पहले लोग है? कैसे? अबे कैसे पहले लोग है? देख के शकल से ना जाया करो। अरे हो सकता है कि हो गए हो, लेकिन शकल पे देख के नहीं जाते कभी। अगर क्या? अगर क्या? अगर क्या? अगर मगर नहीं चलेगा यहां पर। बात पूरी पूरी दम से और शक्ति से बोलनी पड़ेगी आप। या तो नहीं बोलो, या बोलो तो पूरी शक्ति से बोलो। ये अगर आप ऐसे ऐसे कुछ भी अज्यूम, फोटो देख के मत जाना वहां पर, बैठो पर निपट जाओगे। शकल देख के कहने पहले लग रही है भाई, सब लग रहा है। हो सकता है कि हो भी, लेकिन सिर्फ शकल पे नहीं जाना, ठीक है? अच्छा, एंगल बिटवीन वेक्टर समझ जाएंगे सब लोग, कर लेंगे, ठीक है? एंगल बिटवीन वेक्टर में कोई डाउट तो नहीं? और ये रिजल्ट बहुत प्यारा लगता है मुझे। कौन सा वाला? के जो एंगल बिटवीन वेक्टर आएगा, ये आ जाएगा 2π/n। यहां पर एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है? तो आपके भविष्य में कुछ और भी चीजें आपको हेल्प करेंगी, अभी नहीं बताऊंगा उनका हेल्प। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो ना जब, तो पॉलीगन देता है और फिर पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो वहां पर ये आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपको एंगल ही नहीं निकालना आ रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालोगे? समझ गए बात? इसलिए ये एंगल यहां पर ध्यान भी रखना। वो वेक्टर का आपको वेक्टर पढ़ाया क्यों जाता है? बाकी जगहों पर यूज करना है, ये मैथ्स है, वेक्टर इज अ मैथ। अगला पॉइंट क्या है भाई हमारे पास, जल्दी जल्दी बताते चलो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन तो आता है कि ना आता है? कैसे जोड़ते हैं? एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, रिजल्टेंट वेक्टर किधर है? सबको पता है, सबको पता है। अगर ये आपको दिया गया है थीटा, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? क्या है? तो जो अगर रिजल्टेंट आपने कहा कि भैया हम ऐसे बनाएंगे, हमने कहा बना लो ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो आर की वैल्यू क्या बताओगे? ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात, ठीक है? तो ये तो बता दो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? पक्का दिक्कत नहीं? इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार वो आपके संग धोखा करता है। वो कहेगा कि r का अगर वेक्टर a के साथ एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा आपको याद है कल बताया गया था? बताओ क्या बताया गया था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। हेलो, पक्का याद है?
अरे यार क्या गरीबी कर रहे हैं, ये ट्रायंगल बनाओ, ये आएगा बी साइन थीटा, ये वाला आएगा लेंथ बी कॉस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया कितना बेटा हो गया, और ये पूरा वेक्टर कितना हो गया, ये पूरी लंबाई ए प्लस बी। इसको याद थोड़ी करना है, याद तो मुझे भी नहीं है, याद तो सच में मुझे नहीं है, मैं देख लेता हूँ इसको, तुम भी देख लिया करो, इसको क्या याद करना, याद करना कुछ। तो टेन अल्फा की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, उसने आपके संग धोखा कर दिया, मान लो उसने कहा यहां पर एक लिखा हुआ है एंगल बीटा, क्या लिखा हुआ है बीटा, कहां दिख रहा है आपको, सबको दिखाई दे रहा है बीटा, तो बताओ अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, व्हाट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, बीटा है कि 180 माइनस बीटा है, है क्या है बीटा है कि 180 माइनस बीटा है, एक वेक्टर है ऐसे आर, एक वेक्टर है ऐसे बी, ये एंगल दिया गया है बीटा, इनके बीच का एंगल क्या है, टेल को टेल जोड़ो, तो कहने लगे इसको खिसका दो इधर, खोपड़ी आगे ले आओ, इसको खिसका दो इधर, खोपड़ी आगे ले आओ, ये एंगल क्या है, है 180 माइनस बीटा है, अरे टेल, हेलो, अरे टेल को टेल से जोड़ो, चेक खोपड़ी को खोपड़ी से जोड़ो, बोथ आर सेम, तो ये एंगल बीटा है, यही एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अब विश्वास ना हो तो इनको खिसका दो, अरे ना खिसका सकते दोनों को, इसको इस लाइन पर ऐसे खिसका हो तो ये किधर चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा ऊपर को, इसको इधर खिसका हो गया ऐसे डंडी को तो ये इधर चला जाएगा, ये एंगल आपको पता है बीटा आएगा, कोई दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात तो अभी आई, टेन अल्फा लिख लिए थे, अल्फा क्या था, रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, तो मैंने कहा भाई टेन बीटा बताएं, अब बी की जगह इसमें ए कर दो और ए की जगह क्या कर दो, अरे वही तो किया यार, ए की जगह बी आ गया है, बी की जगह कौन आ गया है, तो अभी डायरेक्ट सवाल अगर आ गया तो याद रखना, इसको क्या लिख दोगे, अपॉन बी प्लस, कोई दिक्कत की बात नहीं, पक्का ये रिजल्ट याद नहीं करना है और ये भी याद नहीं करना है, लेकिन ये रिजल्ट लिखना आना चाहिए और अगर लिख नहीं सकते तो याद करना है और लिखना सीखना ही पड़ेगा, समझ गए, सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आप सब चीजें याद नहीं कर सकते और जब आप याद करते हो तो उसमें एरर भी आ जाती है, कई बार पता लगा वहां पर साइन की जगह कॉस चिपका है, हो गया कार्यक्रम समाप्त, है कि नहीं भाई साहब, हाँ तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये रिजल्ट याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाएंगे हम, चलो भाई एक सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको, वो सवाल यहाँ लिख देता हूं मैं और आपको करना है अभी के अभी, 15-16 सेकंड लगते हैं आपको, अभी आपको दिखाया गया है ये एक ब्लॉक है, इस पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पर यहाँ पर एक 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको बताना है नेट फोर्स इन आई कैप जे कैप फॉर, नेट फोर्स इन आई कैप जे कैप, जल्दी जल्दी ओरल बताना है, ओरल बताओ भाई, टेन आई कैप प्लस, तो टेन आई कैप आ गया और 8 जे कैप आ गया और न्यूटन कौन लिखेगा, है कौन लिखेगा भाई, अपन को लिखना है सबको, ठीक है, अगर मैं आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो क्या बताओगे, वन सिक्सटी फोर, बस यही, ये गलत है, न्यूटन नहीं लगाते मैग्नीट्यूड में तुम लोग यार, समझ रहे हो, अरे यार मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंटी, ध्यान रखना, निपटा देगा कोई आपको चलते फिरते, ठीक है, यूनिट वेक्टर इसकी दिशा में पूछेंगे तो बता दोगे, यूनिट वेक्टर बताओ एफ नेट की दिशा में,
तो आप कहोगे इसमें भाग ले, आप इसका न्यूटन लगाओगे? काहे नहीं लगाएंगे भाई, ये केवल दिशा को रिप्रेजेंट करता है। कौन? आओ, कोई घबराने की बात ना है, है क्या? पहला कर लिए सवाल आपने, अब रेडी रहना, आप ही की जिम्मेदारी पर आएंगे सवाल छोटे मोटे अगर आए तो। अगला सवाल फिर से आ गया है, देख लो जल्दी से, दिखा कि नहीं किसी को, यहां लिख देता हूं मैं, 3 और 4 न्यूटन है, 3 न्यूटन 4 न्यूटन। क्या पूछा गया? एंगल बिटवीन, कोई बता दो मुझे, एफ नेट एंड 3 न्यूटन, जल्दी से। अब कैसे बताएंगे एंगल? कोई नहीं बताएगा? क्या चीज ये सवाल है? हाँ, इसको 53 डिग्री नॉर्मली आपके एग्जाम में लिख के नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि टेन 37 की वैल्यू जो हम 3/4 लिखते हैं वो एक बड़ा अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है? तो वो इनवर्स में आंसर देता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अभी एंगल बिटवीन जल्दी बताओ, जल्दी, बाकी लोगों का आंसर चाहिए मेरे को, 37। तो अभी हमने कहा भाई साहब ये 3 न्यूटन का फोर्स बना लो यहां पर, ये 4 न्यूटन का फोर्स बना लो यहां पर, रिजल्टेंट किधर दिखाओगे? कहने लगे इधर दिखाएंगे, किससे एंगल बताना है बेटा? 3 वाले से। तो ये एंगल आपने मुझसे पूछा अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू में क्या लिखूंगा? 4/3 टेन इनवर्स। अरे ना कर पाएंगे क्या इतना यार? हो गया, सारे लोगों ने कर लिया, ठीक है। अरे अरे, घबराने की कोई बात तो नहीं है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताना है इस बार, और आपको दिया गया है कितना, ये ब्लॉक है, इस पर मैंने लगा रखा है एक फोर्स 10 न्यूटन, और एक फोर्स यहां पर ऐसे लगा रखा है, 10 ही है ना, 10 न्यूटन, और ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताएं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, डरना मना है, डरना मना है, हाँ बोलो, 10√2, 10√2 है, 10√2 कैसे करें भाई? हाँ, कॉस 60 कहां से आ गया भाई तुम्हारे पास? अरे 60 कहां से आ गया भाई? क्या इन वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है? है 120 है, तो फिर एरो नहीं, तुम देखे कहो भाई, और एरो नहीं देखे, एरो नहीं देखे, ये तो पूरा पिछला सवाल है भाई। हाँ बताए दे, बताओ भाई, ना हो पाएगा? अरे यार, आपको बताए थे कि अगर किसी जगह पर एक वेक्टर लगाए ऐसे 10 न्यूटन और एक दूसरा वेक्टर लगाए ऐसे 10 न्यूटन, तो इनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? सेम ही तो आएगा यार, ये बात नहीं बताई गई थी? अरे आ जाएगा यार, ना आएगा, कल की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं हुई, तो आंसर बताओ। और अगर आपको दिक्कत आती है और आप उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं तो आप रिजल्टेंट ऐसे लिखेंगे, 10² + 10² + 2 × 10 × 10, कॉस कितना,
कॉस 120 की वैल्यू ही नहीं पता हमको यार। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता। कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ। कॉस 60 की कितनी होती है? पक्का एकदम 100%। अरे निकाल के तो बता रहे हैं भाई, ऐसे कैसे बता रहे हैं। बैट कॉस 120 कॉस, एक बात याद रखना है ना, जैसे कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो आप बताओ, अच्छा अगर ये बात आपको पता है मान लो, तो मैंने कहा अच्छा बताओ कॉस 150 कॉस 150, अरे 150 मतलब 180 में से घटाओ यार 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस रूट 3/2 आंसर है। देखना आप ध्यान से, आपसे जैसे किसी ने पूछा कॉस 150, आप लिखना माइनस कॉस 30, बात हुई खत्म। अरे हो गई अच्छा, किसी और कुछ तो होता ही नहीं जिंदगी में यार अपने। कॉस 135 आपके ना इसमें क्या है, कॉस 45 माइनस लगा देंगे। और आपके ये बस यहाँ पर ये दो तीन चीजें इस तरह की आती हैं, इतने से ज्यादा आएगा तो हम करते रहेंगे। ये पॉइंट नोटिसेबल है आपके लिए, सारे लोगों के लिए पॉइंट नोटिसेबल है, इस बात का ध्यान रखना। क्या करते हैं, कॉस में अगर मान लो 90 के ऊपर जा रहे हैं मामला, तो माइनस कॉस 100 में से घटा के लिख लो, 180 में से घटा के लिख लो। समझ गए बात? ना समझ पाएंगे, ठीक है पक्की बात है। चलो आज इसका आंसर कॉस 120 की वैल्यू तो माइनस आप हाफ से आप कट गया, ये तो 10 ही आएगा। सेल्फ सॉल्व करिएगा, कॉस 120 की वैल्यू माइनस आप रखिएगा। कर पाएंगे सब लोग हैं क्या बेटा? क्या कल की बात? अच्छा हाँ, डायरेक्ट लिख देना। चलो आगे बढ़ाएं, ले जानलेवा हमला हो गया भाई सर, अब तो क्या लगे रहना ही दियो। जल्दी बताना है समय कितना हो गया, हम बता रहे हैं जल्दी करें ना। ये पैरेललोग्राम है भाई जी, और कौन है यार, ए बी सी डी ऐसे ही है कि ना है। अब इसमें क्या है, दिक्कत क्या है कि यहां पर एक वेक्टर आपको दिया गया है पी के बराबर, किसके बराबर? पी के बराबर, पी वेक्टर है ये। एक आपसे खींच दिया गया इधर वेक्टर, ना है एक वेक्टर यहां खींचा गया ये वाला, इसका नाम क्या है? एसी, जो कि चल नहीं रहा है, चल रहा है। और इसका नाम क्या है? हाँ बीडी, एक है एसी दूसरा है बीडी। आपसे पूछा गया कि एसी वेक्टर प्लस बीडी वेक्टर की वैल्यू यदि है तो एन वैल्यू। हेलो हेलो हेलो, ठीक है मामला, बीच में आवाज आ जा रही है मुझे लग रहा है। हेलो ठीक है, आवाज जाए तो बता देना, नहीं तो वहां पर म्यूट में गाना गा रहा हूँ। हेलो हाँ भाई, आंसर बताओ। दो दो आंसर है, अच्छा टू आंसर, कैसे बताएंगे? ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अच्छा मैं समझ गया। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई वेक्टर है, वेक्टर आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या करना था अब हमको, ए प्लस बीडी की वैल्यू बतानी थी ना, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसको जैसे मन करे बता सकता है। कहने लगे बिल्कुल मन नहीं कर रहे हैं,
आंसर आया? नहीं आया। बहुत आसान सवाल है। हाँ कोई बता रहा था कुछ? हाँ एसी इज इक्वल टू कह रहे हैं बीच में बी घुसा दे इसके तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी। क्या करें ऐसे बीच में बी घुसाना अलग है। ठीक है अच्छा आप बताओ ए बी प्लस बी सी बी डी को क्या बता रहे थे आप? बी ए प्लस ए डी। आप क्या कर रहे हैं? ए बी और अच्छा ए बी में बी ए जुड़ेगा तो पढ़ा लिखा आदमी कमार। ए बी और बी ए एक दूसरे के अपोजिट है कैंसिल हो गए। क्या बचा? बी सी और ए डी। बी सी प्लस ए डी कहाँ है? बी सी ये बी सी है ये भी पी के बराबर होगा और एडी कौन है ये भी पी के बराबर होगा टू पी आ गया। ठीक है तो अभी आपको दिख गया होगा बीसी जो है वो भी पी के बराबर है और एडी जो है ये भी पी के बराबर है तो टू पी आ गया। इसमें कोई मुश्किल बात है? ये आसान सी बात है। आपको हो सकता चमके हो सकता ना चमके। चमक गया इसको आप रट्टा मार के नहीं जा सकते। इसको अपने आप सॉल्व करने का तरीका आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है कोई कैसे करेगा कोई कैसे करेगा? जैसे अगर मान लो मैं करता हूं तो मैं इस पे लिख देता हूं पॉइंट को ओ। ठीक है अब ये मैंने कहा यार ये जो ए से ओ तक की बात है ये क्या है टू ए सी के बराबर है और ओ से डी तक की बात है ये टू बी डी के बराबर है और मुझे पता है कि अगर मैं ये ए ओ AO प्लस OD को जोड़ूं A से O जाऊं फिर O से D जाऊं तो मुझे P मिल जाएगा तो मैंने कहा यार ये P के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये गलत लिख दिया मैंने। AC by 2 आएगा ये BD by 2 आएगा है ना। तो अभी मैंने कहा AO की वैल्यू क्या आ जाएगी आप कहोगे AC by 2 OD की वैल्यू क्या आ जाएगी आप कहोगे BD by 2 और इज इक्वल टू कितना आ गया P तो AC प्लस BD कितना हो गया 2P। ये मैं सॉल्व नहीं करता हूं ये दिखता है मुझे मुझे यहां से दिख रहा है कि ये और ये जोड़ के P के बराबर आएंगे तो ये और ये सेम लेंथ के वेक्टर है सेम वेक्टर है तो 2P के बराबर आएगा। ये आपको भी दिखना चाहिए। बोले देख तो रहे हैं कुछ देख नहीं रहा। अरे यार ये इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो P आ गया। अभी ये जो वेक्टर है वो इसके बराबर है इतना बचा हुआ है ये वेक्टर बचा हुआ है तो इसको दल लिया इसको दल लिया तो दोबारा जुड़ेगा तो टू भी हो जाएगा। ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिखे। इंपॉर्टेंट बस इतना सा है कि आपसे सवाल होना चाहिए। ठीक है ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा समय देना जरूरी होता है नहीं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। फिर वहां पर सवाल आता है और चूंकि आपकी क्या होती है रट्टे वाले सवाल करने की आदत होती है बहुत जल्दी से और वो कभी थोड़ा सा समय ले जाता है फिर वहां पर आप हथियार डाल देते गारंटी हथियार गिर जाते हैं वहां पर फिर हम अपनी हार मान लेते क्योंकि आदत क्या होती है कि बस सवाल देगा और टिक मारा वहां नहीं मार पाए टिक जहां चार सवालों में टिक नहीं मार पाए पांचवें सवाल में मार सकते थे उसमें भी छोड़ दिए। तो थोड़ा सा क्या है आदत डालो सॉल्व करने की हल्की सी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो होनी चाहिए ना यार जरा सा इधर उधर होता है गेम खत्म हो जाता है उसी से तो बचना है हमको। सिलेक्शन अगर 100% कंफर्म करना है तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खेलेंगे। चलो आगे बढ़ाएंगे। हाँ भाई एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर ये देख लो आपको बता देते हैं हालांकि आपको बता दिया गया था लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं ध्यान से देखना समय बताते रहना मुझे। अभी एक वेक्टर है ए एक वेक्टर है बी एक वेक्टर है माइनस सी एक वेक्टर है डी और एक वेक्टर है ई इन ये छोटे कैसे बड़े कैसे हो गए ये डी है और ये ई वेक्टर है। दोबारा से देख लो ए वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रखा है बी का दिखा रखा है सी का भी दिखा रखा है डी का भी दिखा रखा है और ई का भी दिखा रखा है।
इनमें रिलेशन बताओ जल्दी, बोलो जल्दी। यहां से चलेंगे अपन, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई, कहां पहुंच गए? बोले जहां से शुरू किए थे भाई, तो अभी रिजल्ट आ जाएगा आपका पास ए प्लस बी प्लस, अरे क्या लगे माइनस काहे लगा रहे हो यार, अच्छा अपोजिट जा रहे, माइनस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। अब वो आपसे सवाल में ऑप्शन देगा, इसे कहेगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू बताओ, तो बता देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ना बता पाएंगे, बता देंगे। हेलो, किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट, क्या बात है। आगे बढ़े, ये आपको बात समझ में आती है बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसको नोट करते चलो, मुझे भी आमंत्रण मिलता है, कहने लगे नोट कर लेते आइए, मुझे लगता है कि मैं समय दूंगा, मैं नहीं दूंगा समय, ये अपने आप नोट करना है स्पीडी। छप गया, आगे बढ़ा दें, क्वेश्चन बढ़ गया, क्या क्वेश्चन है? रिजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर वाला, पक्की बात, ये कह रहा आपको सिखा के रहूंगा मैं, तो ये तो अभी एनएलएम में भी आएगा, काइनेमेटिक्स में भी आएगा, तो ये तो आ ही जाएगा। 3D में रिजोल्यूशन, 3D में कैसे रिजोल्यूशन होता है भाई, आए कर दो, कहने लगे 3D में कैसे होता है? अब देखो 3D में, 3D में देख ले, देख तो चुके ही हो आप लोग, आई कैप जे कैप के कैप 3D तो था कि ना था, था भाई था, हाँ देखिएगा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, ये किधर की तरफ है, इधर की तरफ है या इधर की तरफ है? आपको पता है इसको क्यों गिराया गया था वेक्टर को, पता है कि नहीं? हाँ ठीक है, अब नजर रखिएगा, क्या बदतमीजी है भाई, थोड़ा गरीबों वाला है काम चला लियो, ज्यादा गरीबों वाला, ठीक है चलाओ काम चलाओ, है ना, कलाकारी बाद में करेंगे। ये लेंथ है ए के बराबर, ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर वाई दिशा में बी है और जेड दिशा में वेक्टर है सी, ठीक है, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? तो मैं इस बॉक्स के कॉर्नर्स के नाम रख देता हूं, इसका नाम रख दिया ओ ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है, बोर्ड पर नजर रखिएगा, ये बहुत बेसिक बात है, कई बार इसमें उलझ जाते हैं, आपको इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है गॉस लॉ में बहुत सारी जगहों पर, जहां पर वो चार्ज रख देता है और पूछता है बताओ फ्लक्स, कहने लगे कहां रख के, वैसे भी ये समझ में नहीं आ रहा फ्लक्स कैसे बताएं, अंदर है कि बाहर है, है ना। तो अभी एक बात बताओ, ये लेंथ है वेक्टर ए की ए के बराबर, इसकी बी के बराबर और इसकी सी के बराबर, ठीक है, बोर्ड पर नजर रखना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, पक्की बात नजर आ रहा है सबको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए ए कॉमा बी कॉमा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू बी 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 वाई की वैल्यू बी जेड की वैल्यू, अरे यार ओरिजिन से चलते हैं हर बार, तो बी तो गए बस वाई में, एक्स में गए नहीं जेड में गए नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स में गए नहीं वाई में बी गए जेड में गए नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो पहले चलो यहां से चलें, बताओ किधर को चलें,
आप जिधर ले चलोगे मैं चलूंगा, बोलो ऐसे चलो। जेड में कितना गए? अब मुझे बी पर पहुंचना, किधर जाऊं? ऊपर नहीं यार, बाई की दिशा में जाओ, ऊपर जाओ। कहने लगे यार ऐसे, यहां पर गए सी, अब किधर की तरफ चले? बाई की दिशा में कितना? बी। तो एक्स में तो चलना ही नहीं पड़ा, तो एक्स में हो गया जीरो, वाई में हो गया बी, जेड में हो गया सी। इसके कोऑर्डिनेट में लिख दे रहा हूं जीरो कॉमा बी कॉमा सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ ई के। जैसे जहां से बोलोगे वहां से चलेंगे हम, चलो बताओ बताओ कहां चलें? ऐसे चलो, ए चलेगा एक्स में, अच्छा इधर ना जाएं, फिर आ गए, बताओ किधर जाएं? अरे जहां चलेंगे तो ऊपर चले, वाई में चले गए बी, वाई में ये तो यहां लिखा ही हुआ कितना चले गए, इधर चलें? इधर चलोगे तो अब एक्स में चले गए आप ए, तो यहां पर आपने कहा जीरो एक्स में चले गए ए, और वाई में बी गए थे और जेड में नहीं गए अभी भी, अब बताओ किधर चलें? अब कहने लगे यहां से जेड में चले जाओ, तो जेड वाला बदल जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा? ये क्या है बे? ए। अब अगर इधर गए ई पर तो एक्स में कुछ नहीं बदलेगा, वाई में कुछ नहीं बदलेगा, केवल आप जेड में चल रहे हो। ये जेड दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो अभी कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? ए बी सी। हमारी मर्जी, हमें जितना घूमना हम तक घूमेंगे, तुम्हारे तुम्हें क्या, हम चाहे जहां से घूम के जाएं, कहीं से भी घूम के किधर से भी होके आओगे सही कोऑर्डिनेट मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना कतई नहीं है, इंपॉर्टेंट है घूमना आना चाहिए, घूमना आना चाहिए, घूमते ही नहीं पाते, घूमना आना, नहीं तो मैं रट्टा मरवा दूं इसके एबीसी होते, समझ गए? हाँ बोलो कैसे चलना तुमको, अरे कैसे कैसे बताओ, बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे दौड़ गया बोर्ड पे, अरे पहले आओ तो हमें पता नहीं चल रहा है, दौड़ गया दौड़ के इधर आओ बोर्ड पर। हाँ ले चलो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भाग जान भाग मत जान, हाँ चलो बताओ, चलो एक्स में ये गए, अरे रुक जाओ धीरे धीरे जाओ, ये जेड में गए, जेड में गए, अरे आ रहे हैं भाई सी, फिर आप चले गए वाई में, वाई में बी हो गया, अरे ए बी सी, कहीं से भी चलो, ओरिजिन चलना होता है, ठीक है? अरे मुश्किल है क्या? नहीं ठीक है, आगे बढ़ाएं। अच्छा इसके रिजोल्यूशन भी चाहिए थे, अब ध्यान से देखना, ठीक है? अभी मैंने मान लो यहां पर इस वेक्टर को ओई वेक्टर दे दिया आपको, कौन सा वेक्टर दे दिया? तो ओई वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? ओई वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप लिखोगे। ओई वेक्टर को क्या लिखोगे? ए आई कैप, अरे बोल दे यार, बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखोगे। क्या चाहते हो मुझसे? कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो कैसे बताएंगे? कहने लगे तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा कंपोनेंट है? एक्स एक्सिस के अलोंग। ये कौन सा कंपोनेंट है? वाई एक्सिस के अलोंग। ये कौन सा कंपोनेंट है? जेड एक्सिस के अलोंग। अब समस्या सिर्फ इतनी सी आ सकती है कि अभी जैसे उसने मान लो आपको वेक्टर दे दिया, आपने कंपोनेंट भी बता दिए, वो आपसे कहेगा कि ऐसा करो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ, वाई एक्सिस के साथ एंगल बताओ, जेड एक्सिस के साथ एंगल बताओ। हमने कहा हम ये नहीं बताएंगे भाई साहब, क्या पूछ लिया? क्या पूछ लिया? एंगल पूछ लिया। एंगल कैसे बताएंगे? एंगल कैसे बताएंगे? ध्यान से देखना बोर्ड पर नजर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, घबराना मत, घबरा रहे हैं? पक्का नहीं घबरा रहे? तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा जाए तो कैसे बताते हैं? नहीं बताते, आए टेल से टेल, टेल से टेल तो जोड़ देंगे, ये वेक्टर ऐसे आएगा उठ के इधर,
और ये इधर पे ये आपका एक्स एक्सिस आएगा। इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ जो है सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी एक बात सुन लो, इसको हम लोग बताएंगे, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में आफ्टर लर्निंग डॉट प्रोडक्ट, लेकिन काम की बात सुन लेना आप। अभी मैंने कहा मान लीजिए इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल कितना है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है गामा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना मान लिया, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, तो अभी इसमें ये कहलाता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। इनकी खास बात ये होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आती है, वन के बराबर। कितनी आती है? वन के बराबर। ये बात याद रहेगी जी, इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। जो डायरेक्शन है उनके कोस, कॉस, कॉस को पूरा नाम है कोसाइन, कॉस को पूरा नाम कॉस का क्या है, जैसे टेन का पूरा नाम टेंजेंट, कॉटेंट, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, भूल गए, बहुत नाइन्थ क्लास बहुत समय हो गया, ऐसे पूरे पूरे नाम है इनके बड़े बड़े, तो उसको कोसाइन बोल देते हैं। और डायरेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिखा रहा है, तो एंगुलर डायरेक्शन मिल रहा है, तो इसको डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इनका एक रिलेशन ये याद रखिएगा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछेगा तो कैसे बताओगे? कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन अंडर रूट, अपने आप लिखना। कॉस गामा की वैल्यू क्या आएगी? सी अपॉन अंडर रूट, अपने आप लिखना। कोई घबराने की बात तो नहीं, इतना रूट नोट कर लियो। ये सिर्फ इसलिए नोट कराया जा रहा है कि बाई चांस कोई कुछ पूछ ले तो बता सको। इसको पूरा समझ जाओगे आप डॉट प्रोडक्ट के बाद, ठीक है? अभी फिलहाल इसको लिख लो। समझा तो मैं अभी भी दूं लेकिन घंटी बज गई है। अरे नहीं भाई, ये जब आगे आसानी समझ में आएगा तो पीछे काय को आपका माता फोड़ी करी जाए। बता भाई ये सवाल देख लो। यहां पर एक सवाल दिया गया है कि वेक्टर पी इज इक्वल टू, पढ़ो भाई, 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप 12 है। अच्छा, 3 और 1 4 4 और 2 3 6 नहीं, नहीं वो नहीं सोच रहा हूं मैं। अरे आ रहे हैं यार, अरे रुक। अच्छा, ये वेक्टर दिया गया है आपको, इसमें आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड एंड इट्स, वो इसको इधर घुमाओ, इधर दिखाओ वो, और सवाल दिखाओ। ये सवाल दिख रहा है, इसको करना है, उसके पहले पेन डाउन नहीं करना, ठीक है? इसके बाद अगला सवाल देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो कॉस अल्फा से निकल आएगा, ये भी करना है, उसके बाद पेन डाउन करना है। हाँ लिख लेना, अ फोर्स मेक्स 10 न्यूटन मेक्स 37 डिग्री विथ वर्टिकल, फाइंड इट्स, ये तो गरीबों वाला सवाल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कॉम्पोनेंट, 3 सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूं, इसके बाद भी एक आध होगा वैसे, ठीक है? तो ये करके ही पेन डाउन करना, पक्का 100%। चलिए ठीक है, हाँ जी किया जाए। चलिए भाई बताएं, रेडी? वेक्टर का पहला पीएसएस कर लेते। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ना हुआ, क्या दिया गया है, E प्लस डी माइनस सी, तो पहले चलो E, फिर चलो D और फिर चलो माइनस सी, तो ये क्या आ गया, यहां से चले थे और यहां पहुंच गए, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, B नहीं आया यार, माइनस B आया,
अरे दिख रहा है भाई, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, माइनस बी फोर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, द रिजोल्यूशन रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज 10 किलोग्राम वेट एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस। तो एक फोर्स है मान लो ये कुछ एफ वन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री एट एन एंगल ऑफ 150, ये 150 है तो मुझसे क्या चाहते, इस 10 इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इसके परपेंडिकुलर आई से आ रहा है, ये रिजल्टेंट है और वो किसके परपेंडिकुलर है, एक के परपेंडिकुलर है ऐसे, ये रिजल्टेंट है, मुझसे क्या चाहते हो, बड़ा वाला फोर्स बताओ, ये नहीं बता पाऊंगा मैं, बता पाएंगे, इस वेक्टर को उठा के यहां लगा लो, लगा दे। तो आपने कहा पहला ये एफ वन है, दूसरा आपका ये एफ टू आया और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो आया 10। तो मुझे यार ये वाला एंगल नहीं पता है, नहीं तो मैं बता देता आंसर पक्का 30। तो 30 अगर पता है तो फिर मैं सब बता दूंगा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20 आ गया शायद। हेलो ना पाया था मैं, यार क्या गरीबों वाली बात कर रहा, ये तो बहुत आसान है, और कैसे भी कर लियो, बस कर लियो, है कि नहीं। तो आंसर क्या है भाई, है नहीं है, है 20 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है, हाँ? तेरी, अ फोर्स ऑफ 6 एंड 8 कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द रिजल्टेंट। 6 और 8 अगर दोनों को यूज करोगे आप तो मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा 14 और मिनिमम क्या आएगा, हाँ? 2 आएगा, ये कंफर्म है ना, तो भाई क्या आ सकता है, 1 नहीं आ सकता, 11 आ सकता है, 15 नहीं आ सकता, 14 नहीं आ सकता, 20 नहीं आ सकता, ये तो आसान था, एकदम सही। लो ये कैसे होगा, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू, ए कौन है भाई, ये ए है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर ए बी सी रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ ए। अच्छा ए बी और सी तीनों को जोड़ना है, अच्छा हमसे ये पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये पूछ रहा है क्या, तो ये कैसे बताएंगे यार, ये 90 डिग्री पर चले गए तीनों, ये बी है ये सी है, तो ये कितना है, आपने कहा ये ए आई कैप, ये बी कितना है, आपने कहा ये ए जे कैप, ये कितना है, आपने कहा ये ए के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे आप, ये आ गया, ठीक है, होमवर्क समय पर पहले कर लिया करो, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मेरे कराने के बाद क्या बचेगा, फिर तो वही है कि क्लर्किकल वाला काम शुरू हो जाएगा, क्लर्क का काम क्या होता है, पढ़ने लिखने वाला, छापने वाला काम, वो अंतर क्रिएट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ दस। कैसे पता लगाएंगे कौन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट है और कौन नहीं है, तो हमने कहा अगर ये दो होंगे तो फिर 6² + 8² जो है 10 आ गया, ये 10 आ रहा है, ये तो सही है यार, कैन नॉट पूछा है लेकिन ध्यान रखना, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 49 + 51 अंडर रूट, ये भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा 36 × 2 = 72 और 4 × 7 ये कितना हो गया भाई 72 + 28, ये भी आ गया शायद, ये भी नहीं हो सकता आंसर, बस यही बचा हमने घाट में, तो आंसर क्या आ गया, डी 4।
डन ना हो पाएगा। आओ, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एट 150 डिग्री इज 10 यूनिट एंड इज परपेंडिकुलर टू द वन। चुटकू बताओ। तो हमने कहा भाई अगर रिजल्टेंट पहले के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये एफ वन है तो एफ टू ऐसे जुड़ेगा और रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना है? 10 है। और ये जो आप अगर वेक्टर की बात करोगे, ये एफ टू इधर था, ये एंगल कितना था? 30। ये पिछले ही सवाल तो लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इस बार ये एफ वन पूछ लिया उसने तो ना बता पाएंगे। कॉस 30 इज इक्वल टू राम, आंसर आ गया था नहीं आया? अरे यार ऐसे तो फिर समय नहीं मिला आपको। कॉस से नहीं, इसको 10 से निकाल लो, 10 से लगा लो, दिख रहा है तुमको राम? तो 10 30 की वैल्यू बोलो जरा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 1 बाई रूट 3 होता है, होता है कि नहीं? तो F1 की वैल्यू क्या आएगी? 10 रूट 3 पक्का। आगे बढ़ो, टू वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए हैव अ रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए 120। हाँ बेटा, अच्छा ये क्लास में लिखवा दिए थे, ये तो बेकार हो गया सवाल, चलो हटाओ। अब ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कौन में एंगल थीटा सही दिखा रखा है? ये तो इसका तो एंगल ये आएगा, तो गलत हो गया। इसका एंगल ये आएगा, ये गलत हो गया। इसका एंगल अगर आप देख पा रहे हो तो ये आएगा, ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसका एंगल ये आएगा, ये वाला थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। खोपड़ी से खोपड़ी जोड़ो, चाहे पूछ से जोड़ो पूछ, ठीक है? थ्री इज राइट। ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 4a। ये तो बहुत गरीब सवाल है, बहुत ही गरीबी है। 4 × 2.7 बस गुणा करना आना चाहिए, तो एक ही है बस, ये वाला आंसर लगाना। अरे बाकी आ नहीं सकता ना यार, चार गुना करना है, ठीक है? पक्की बात। एक्टेड अपॉन अ बॉडी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर अननोन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी मे बी। तो मैक्सिमम कितना आएगा भाई? 10 + 6 = 16 और मिनिमम कितना आएगा? 10 - 6 = 4। इसके बीच में रहेगा आंसर, 15 है। हाँ ये है, ये हो नहीं सकता, 3 = 17 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, हटा हटा। तो ज्यादा गरीबी नहीं चल रही, बहुत ज्यादा गरीबी, गरीबी से घबराना मत नहीं, अमीरी की जरूरत ना है ज्यादा, लेकिन गरीबी जो है वो उसमें आपको, उसी में आपको लेविश लाइफ जीनी है। अरे वो बहुत, उस गरीबी का फैलाव बहुत ज्यादा है भाई सर, विस्तृत है ना आपके यहाँ, बहुत ज्यादा फैल के आता है। तो जब चीजें फैल के आती है तो क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे सवाल है बहुत तेज करने हो, जैसे आपने देखा और दड़ आंसर दड़ आंसर दड़ आंसर, ठीक है? क्योंकि समय क्या रहेगा? कम। तो आसान सवालों में भी रैंक बनाना मुश्किल होता है, ठीक है? आंसर बताओ इसका। 10 डाइन। डाइन कहां से आ गया? 10 डाइन। इसमें डाउट है किसी को? अरे ये दोनों 120 पर है ना यार, एक वेक्टर ये हो गया, तो किसका हो? जरा पूछ से पूछ मिलाओ। 120 है, ये भी 10 डाइन है, ये भी 10 डाइन है, तो रिजल्टेंट बस 2 × a × cos 60। पहले ही पता है अपने को, एक हाथ तो अपन रट्टा ही मार के रखी है कि नहीं? घबराने की कोई बात, आगे बढ़ाओ। ये क्या है? हटाए तेरे 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 तेरे